इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं चाह रहा हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहे ताकि मैं जब मरूं तो मुझे याद भी ना किया जाए, लेकिन मैं मरूं तो मैं सोचूं कि मेरे रिलीजन, मेरे घर के अलावा मेरे मुल्क के लिए मैं क्या करा, ये सेटिस्फेक्शन यहाँ होना, मैं क्या करा। నమస్కారం కామ్రేడ్ డిజిటల్ మీడియాకి స్వాగతం. సో ఈరోజు వచ్చేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఉందన్నమాట. సో మనతో పాటు ఉస్మాన్ ఫైజాన్ అలీ గారు ఉన్నారు. వెల్కమ్ ఉస్మాన్ భాయ్. థ్యాంక్ యూ. సో అతనికి కొంచెం మన లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం. సో మనం హిందీలో కంటిన్యూ చేద్దాం ఇంటర్వ్యూ అనేది. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనది ఎలక్షన్స్ గురించి, పోలింగ్స్. సో పోలింగ్ ఎట్లా నిర్వహిస్తారు, సో దానికి సంబంధించి తను క్యాంపెయినింగ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. తను ఆల్రెడీ 1 ఇయర్ అవుతుంది తను స్టార్ట్ చేసి ఈ మిషన్ బటన్ అండ్ బ్యాలెట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది. సో అతను మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి ఎలక్షన్స్లో అని తన ఒక ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. ఇండిపెండెంట్గా తన సొంతంగా సైకిల్ మీద ఆల్మోస్ట్ 50,000 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది. అండ్ 543 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ అంటే పార్లమెంట్స్ అన్నీ కవర్ చేసి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో తను ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాడు. సో తన ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందాం, తనకు చేయడానికి ఎవరు స్ఫూర్తి ఏంది అనేసి. వెల్కమ్ ఉస్మాన్ భాయ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. बताइए आपका जर्नी कब स्टार्ट हुआ? ये जर्नी तो 2011 में स्टार्ट हो गया था माइंड से. ये बहुत पुरानी तैयारी है. और उसके बाद में काफ़ी साल तक, क्योंकि हमको ये फ़र्क नहीं मालूम था कि सीएम को इलेक्ट होने का प्रोसीजर क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन कैसा बनता, प्रेसिडेंट क्या चीज़ है, उसका इलेक्शन कैसा होता. ये तो बहुत बड़े बड़े बातें बोल रहा हूँ मैं. जीएचएमसी इलेक्शन में जैसा हैदराबाद में है, वैसे ही कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और कहीं पे पंचायती राज है. बहुत सिस्टम है गवर्नमेंट चलने का. तो बेसिक नॉलेज भी हमको थी नहीं, वो बैकग्राउंड हमारा रहा नहीं. लेकिन जब मैं 2011 में हमारे कुछ मेंटर सर्स जो रहे, उन लोगों ने आंखें खोली कि आप, हुआ ऐसे कि मैं एमपीसी फिज़िक्स मैथ्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया हुआ था इंटर में, तो वो चीज़ें उस टाइम पे बहुत इंजीनियर्स का बहुत चलता था. इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो. बीटेक के बहुत पसंद का बहुत पसंद बीटेक के पसंद दादा थे करेक्ट. वो मेरे ख्याल से राजशेखर रेड्डी आपका जमाना था, वो सीएम. बिल्कुल 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 सही बात. तो उस टाइम पे सीएम कौन है वो भी नहीं मालूम था. बाद में मेरे को मालूम, मैं जब पढ़ रहा था जब सीएम उन्होंने थे. हाँ सही बात है. लेकिन उसके बाद में मैं, मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे, मेरा इंटरेस्ट उसमें था नहीं, जिसकी वजह से मैं कॉलेज बहुत कम जाना जैसा हर बच्चा करता. मतलब मोस्ट टैलेंटेड पीपल नहीं जाते कॉलेज को. तो उसके बाद में मेरे को सजेस्ट किया गया कि आप जो है ना 4 साल तक अपना इंटरमीडिएट क्यों करते. हमारे एक मेंटर थे बहुत ख़ास, उन्होंने बोला आप सीईसी ले लो, आईएएस बन जाओ. ऐसे 10,000 इंजीनियर्स और 20-30,000 डॉक्टर्स और कई, मतलब इतना सुना है उन्होंने, ये साइंटिस्ट हर कोई आपके नीचे आ जाता, आप राजा बन जाते. मैं बोला फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स इतना मुश्किल सब्जेक्ट्स, ये अगर आप छोड़ के इजी सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसमें थियरी ज़्यादा होती है, वो लेने के बाद भी आप इतने बड़े आदमी बन सकते हैं. ये जो फैक्टर रहा, स्पार्किंग फैक्टर बोलते हैं इसको. बात टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड थियोरी सब्जेक्ट्स की नहीं है, बात यह है कि इंसान को ज़िंदा किया गया उस टाइम पे. तो मेरे अंदर वो जो एक क्या बोलते हैं बारूद है, उसमें पहली चिंगारी जब लगी. उसके बाद में क्या हुआ, मैं प्रिपरेशन करता रहा, कई बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, यूपीएससी के बच्चों को भी पढ़ाया मैं. लॉकडाउन आया उस टाइम पर, मेरे अटैम्प्ट चल रहे थे.
फिर मैं सोचा कि जो चीज़ मेरे को बनने के बाद में करना है, बनने के बाद में भी आप डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन इंचार्ज होते, उसको अभी से क्यों नहीं करूं। तो मैं इसके ऊपर प्लानिंग किया, ये पर्टिकुलर प्लानिंग जो मैपिंग है, जो नाम है इसका बटन बैलेट मूवमेंट वगैरह सब चीज़ें, ये एक साल पहले। तो ये बात बोलो, आप बाईपीसी सॉरी बीटेक करे या फिर डिग्री करे? डिग्री करा मैं। डिग्री करे तो बीटेक में जाने वाले थे तो हाँ, मोटिवेशन की वजह से डिग्री कर ली? बिल्कुल मोटिवेशन की वजह से नहीं। ओके, एक दो हफ्ते तक देखा मैं सब्जेक्ट्स। ओके, मेरे को ये रिलेटेबली समझ में आना शुरू हो गया, और सोसाइटी से मतलब मैं बचपन से जो आमतौर पे अपन जैसा देखते इन्वॉल्वमेंट, तो सोसाइटी को समझना, क्या माइंडसेट है लोगों का, क्यों किस तरीके से लोग किधर परसुएड होते, ये सी चीज़ें मेरे को इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुई। तो मैं पॉलिटी देखना शुरू कर दिया, और आप देखते तीन सब्जेक्ट्स मेनली है उसमें, वो इंटरेस्ट चलता रहा और इस तरह से यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, तो एजुकेशन बैकग्राउंड आपका ये है? बराबर। तो फिर बाद में ग्रेजुएशन के बाद में फिर आप? ग्रेजुएशन के फौरी बाद में, क्योंकि मेरे अंदर जैसा आपको मालूम है, जैसा मैं बोल रहा हूँ जब से, कि सोसाइटी का एक जज्बा रहा, तो मेरे को एक था कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने से बेहतर है कि जो नई नस्ल, नई पीढ़ी जो पैदा होती है, नई जनरेशन जो पैदा होती है, इनको एजुकेशन दो। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, इसकी बात मत करो। बात यह है कि आप स्कूल में डिग्री में जो भी पढ़ते, वो सिर्फ आपको इंग्लिश सिखाता। तो मैं ये सोचा कि सेल्फ स्टडी सिखाओ, वक्त को समझने के लिए बच्चों को तैयार करा जाए, और एक सिस्टम में तैयार होते बच्चे। तो मैं एक स्कूल डाला, IAS इंटरनेशनल स्कूल करके, वो मैं स्कूल डाला। उसमें मैं बच्चों को ये फोकस कराता हूँ, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके एक सब्जेक्ट रखा मैं उसमें, स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज जो होती है वो बच्चों को सरसरी तौर पर, मतलब ऊपर ऊपर से उन लोग को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। जैसे कि हाइपर लूप, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो दैट इज़ नॉट हियर। अभी आपके पीछे मेट्रो चल रही है, हैदराबाद मेट्रो, तो मेट्रो ट्रेन इसके बीच का फ़र्क बच्चों को अक्सर नहीं मालूम रहता, उसकी टेक्नोलॉजी, कई चीज़ें हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाइपर लूप इज़ गोइंग टू कम, जो इतनी फास्ट जाएंगी, वैक्यूम में चलेंगी उन्हें, तो वो ऐड होते रहता मेरे सिलेबस में हर साल, ताकि इंट्रोड्यूस हो जाए एक टॉपिक, बच्चों को जब माइंड में जाता तो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती, क्यूरियोसिटी। तो मैं ये सोच के स्कूल शुरू किया, स्कूल में फिर मेरा काम स्ट्रीमलाइन हो गया। स्कूल जाओ, बैठो, साइन मारो, डिसिप्लिन चेक करो, मीटिंग लो टीचर की, वही चल रहा था, प्रिपरेशन तो चल रहा था। वो जो 2011 की बात मैं करा था, वो चीज़ दिमाग में चल रही थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने क्या किया, एक साल पहले बैठ के थोड़ा सा, क्योंकि मेरे सामने फैक्ट्स थे, 90 करोड़ पीपल आर देयर इन इंडिया, जिसमें से 30 करोड़ लोग तो घर के बाहर ही वोट देने नहीं जाते, विधानसभा में 30 करोड़ ऑल ओवर इंडिया, देन पीएम इलेक्शन में 30 करोड़ नहीं जाते। देखो आप, बहुत बड़ा फ़र्क है, वेपन है, वेपन वोट वेपन है। मेरे को लगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली ये रहेगा, आगे चल के मेरी ड्यूटी भी ये रहेंगी अगर मैं बन भी गया। तो मैं क्या किया, मैप तैयार किया, मेरे सामने वहाँ मैप है, और इसका नाम हम डिसाइड करें, बटन बैलेट मूवमेंट, बटन प्रेस, आज का EVM, पहले बैलेट डालते थे, तो उसके लिए मूवमेंट। तो जब मैं शुरू कर रहा था, तो इंडिया की जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पॉपुलेशन थी 136 कुछ करोड़ थी, अब एक साल में 142 हो जा रहा। तो ये जो मूवमेंट है, ये मेरी लाइफ के साथ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्रैवल है। ये मूवमेंट शुरू इसलिए किया गया, और मूवमेंट हमेशा शुरू करने वाले के साथ ही जाता, और उसको बाद में कोई और संभालता जिम्मेदार। तो हमारा एक, हर किसी का अपना एक हुनर होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक कंट्रीब्यूशन रहे इस भारत के लिए, और यहाँ पर जितने भी रिलीजन्स है, कम्युनिटीज़ है, एवरी वन, यहाँ तक कि प्लांट्स होते हैं, यहाँ की हवा है,
यहाँ के कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ के जानवर है, यहाँ के जंगलात है, फॉरेस्ट है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। हर चीज़ विधानसभा से गुजरती है, संसद से गुजरती है, वहाँ पर इस चीज़ों के फैसले होते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट कितना हो, कैसा हो, कितना सैंक्शन हो, फाइनेंसेस वहाँ पर डिसाइड होते हैं। तो सबसे बड़े राजा अपना रोल नहीं समझने की वजह से बेसिकली जस्टिस नहीं हो पा रहा, जिसको हकीकत में बैठना चाहिए वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव की तरह नहीं बैठ सक रहा वहाँ पे। है लीडर्स है अपनी जगह, उनकी होशियारी है, बहुत चालाक है लोग, तो वो लोग अपने सारे टेक्निक्स करके वहाँ पे पहुँच जाते, वो बात अलग है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि वोटिंग पूरी हो उसके बाद एक लीडर आए तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता। तो आपका ये जर्नी कब स्टार्ट हुआ, कैसा स्टार्ट हुआ, कितने दिन तक? 12 सितंबर 2022 को ऑफिशियली मैं फर्स्ट पैंडल मारा। और उससे एक साल पहले मैं पूरी मैपिंग करा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किस कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जाना है, कैसे जाना है, किस लाइन में जाना है। तो एक साल की मैपिंग और 12 सितंबर टू अभी यहाँ तक, आज तक था, लगभग एक साल हो जाता अगले महीने। तो बस यही बात है। अच्छा, तो आपका ट्रैवलिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ फिर करके आए? जो ट्रैवलिंग था मेरा ये हैदराबाद से शुरू हुआ। मैं यहीं पे रहने वाला हूँ तो यहाँ से मैं फर्स्ट पॉइंट रखा निकलने के लिए। तो यहाँ से मैं 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज गया ट्रायल सफ़र के लिए। उसके अलावा भी विदाउट साइकिल इंडिया के कई स्टेट्स में मैं एक पर्सनल सर्वे के लिए कि किस तरह वहाँ पर अपना वेलकम हो सकता, क्या देखना पड़ता ना आपको चीज़ें, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मैं ये एक साल में सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बहुत जगह गया हूँ। और ट्रैवल जो है ऑफिशियली मैं जल्दी अनाउंस करूँगा। नेक्स्ट मूवमेंट का जो भी, बिल्कुल नेक्स्ट जो मूवमेंट है, जैसे कि ये साल का जो एजेंडा है या बोलो आप प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है इन शॉर्ट, वो मैं आपको इस साल फिर से अनाउंस करूंगा। ऐसा हर साल जैसा G20 का इस साल वन अर्थ वन है, इस तरह हम भी हर साल नहीं है, एवरी ईयर प्लान है हमारा। हर साल का कुछ ना कुछ रहेगा, हम कभी ट्रैवल करेंगे तो कभी ग्लोबलाइजेशन के लिए करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबलाइजेशन एक अच्छी चीज़ है तो वो हैप्पीनेस वाला हो, ग्लोबल वार्मिंग है, प्लास्टिक नो यूज है, बहुत मुद्दे है भी ऐसे। बटन बैलेट के मूवमेंट के जरिए कर सकते हैं, उसको करेंगे आगे चल के। तो आपके जर्नी में क्या क्या हर्डल्स आए आपको, क्या क्या तकलीफें आई? अभी तो टेस्ट, आप जब तक पूरा डिश नहीं खा लेते, जब तक आपको उसका पूरा मज़ा नहीं मिलता, हजम होता नहीं होता, उस कुछ भी नहीं मालूम होता। तो इन शॉर्ट ये है कि हर्डल तो कुछ भी नहीं था, हर्डल ये है आपका सर्वाइवल जो होता वो टफ रहता थोड़ा सा, स्टे जो रहता आपका, बस वो तो स्ट्रगल तो हर कोई करे, आप तो हिस्ट्री देखे हुए हैं। आप कहाँ कहाँ रहते थे, मतलब होटल या लॉज पे? हम हर जगह, हम फिर आप खुद का टेंट लेके जाते थे? हम टेंट साथ रखते थे, जहाँ पर बिल्डिंग नहीं होती हम टेंट में रहते थे, वरना तो हम हर मजहबी घर में रहते। अच्छा, आप ये मत बोलो कि आप जो है ना इस वहाँ कैसा जा सकते हैं, यहाँ कैसा जा सकते हैं। हम मंदिर में भी रुकते हैं, हम मस्जिद में भी रुकते हैं, हम चर्च में भी रुकते, पुलिस स्टेशन में रुकते, जहाँ पर हम स्टे कर सकते वहाँ पर। देखो छोटी सी बात, अभी ऑन गोइंग कुछ चीज़ें ग्लोबली ऐसी हो रही है कि आई विल नॉट टेक नेम्स, नेम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ऐसी चीज़ें चल रही कि मेरा नाम एक है तो सामने वाला मेरे नाम के बेसिस पे मेगू मार रहा, मैं किसी और को मार रहा हूँ, उन्हें किसी को और को मार रहा, वो एक जगह एक टेंशन चल रहा, उन्हें टेंशन लेके उन्हें उसको मार रहा, उन्हें उसके जैसा है बोल के। तो ये जो नफ़रतें हैं ना, ये नफ़रतें ख़त्म करने का एक आसान तरीका ये है कि अपने आप को कम समझो और सामने वाले के जो रिलीजियस बिलीव्स है उसकी रेस्पेक्ट करो, बहुत रेस्पेक्ट करो। और कभी भी ऐसा आपको मौका मिले, और रिलीजन भी तो यही सिखाता ना, बिल्कुल।
देखिए एंटरटेनमेंट पब्लिक को क्या चाहिए, जो आम आवाम है जनरल पब्लिक, उनको क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। आप बम गिराओ कहीं पे, जैसा आप चल रहा, लोग जिज्ञासु, मतलब उनको ये नहीं मालूम होना है वो जो साइलेंट चीजें चलती ना, इकोनॉमी कैसा चल रही है, सिस्टम कैसा चल रहा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उनको इंटरेस्ट ये है कि मेट्रो कैसा चल रही है, अरे भाई एक मूवमेंट है, वो मूव हो रही चीज। तो एवरी टाइम आप देखो इंसान का जो मेंटालिटी रहता हिलती हुई झुलती हुई चीजों पे ज्यादा जाता, वो जो जो दिखता नहीं, वो बोलते ना सामने से हत्ती नहीं जाना, मतलब बत्ती नहीं जाना, पीछे से हत्ती चले गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बोलने का मकसद ये है कि नाउ अभी रिफॉर्म की ये ज़रूरत है कि आप रिलीजन से बाहर निकलो अपने और हर रिलीजन के लिए ठहरो। रिलीजन के अंदर ठहर के आप रिलीजन के लिए नहीं ठहर सकते, क्योंकि वो एक चीज़ तो चल रही है अपनी जगह। एवरी रिलीजन इज़ हैविंग दिस डिफेक्ट। आप अभी हिंदुइज्म का बोले, ऐसा इस्लाम में भी है, ऐसा क्रिश्चियनिटी में भी, हर किसी में है। एवरी रिलीजियस लीडर जो प्रीचर है, एवरी वन, उन लोग बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, उन लोग अपना पूरा 100% दे रहे। अब उसमें से जो होशियार लोग हैं वो लोग डिवाइड भी कर रहे जो, लेकिन आप जो मीडिया है, ऐसा जो बड़ा मीडिया है, वर्ल्ड मीडिया है, समझ रहे हैं आप, हर लेवल का एक मीडिया की एक क्लासिफिकेशन है, और एक एक टाइम आता उसके बाद में उनकी बात ज़्यादा सुनते लोग, और जो ये दुनिया है इतनी खूबसूरत थी ना पहले, रिफॉर्म होते होते चीज़ें अच्छे होते होते, ऐसे दो सोफे सजते सजते, दो माइक्स पकड़ते पकड़ते, थोड़े थोड़े लोग ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हम पहुँच गए कि हम इतनी ठंडी हवा में आज बात कर सक रहे हैं। हिंदुस्तान का वो आलम भी था, भारत का, जहाँ पर हम इतनी आज़ादी के साथ जो जो कुछ बोल रहे हैं आज, हम अपने बारे में भी नहीं बोल सकते थे, नाम नहीं बोल सकते, हमारे मुल्क में हम नहीं बोल सकते थे ना। वो आप क्योंकि दे वेर द रूलर्स, बाहर के लोग यहाँ पर आके आपको पकड़े हुए थे, तो आपकी जबान उनके हाथ में थी, हमारी आज हम आज़ाद है। वो रिफॉर्म ऐसे ही चलता है कि अच्छा, तो ये जो इलेक्शंस का मुद्दा है, जी जी, सो अब वन नेशन वन इलेक्शंस का जो आ रहा अभी टॉपिक, सो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए दोनों भी पॉजिटिव है या ये वो नेगेटिव है? मैं पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोलूँगा, मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस व्यू दूंगा इसमें। वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन एक तरह से सही है, एक तरह से नुकसानदेह है। हर स्टेट में डिफरेंट टाइम पे इलेक्शन, जैसा आप चल रहा सिस्टम, अब सिक्स, उसमें भी पॉजिटिव है, और हर चीज़ में ऐसे ही रहता। अब मैं आपको थोड़ा तर्क देता हूँ, मतलब थोड़ा क्लियर क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ, ये नज़रिया देने की, क्योंकि उसके लिए दूसरे लोग हैं, वो चीज़ें सोचने के लिए आवाम है, पब्लिक है, सब है। मेरा काम है आप वोट डालो, वन इलेक्शन वन नेशन रहो या ऐसा रहो, आप वोट डालो। तो इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया तो आपका खर्चे कम हो जाते और एक साथ इलेक्शन हो जाता और एक साथ गवर्नमेंट बन जाती, चलते रहती। इलेक्शन सिस्टम अलग अलग क्यों किया गया, पहले ही कर दिया जाता। क्यों किया गया? ताकि लोगों को समझ में आए, क्योंकि एक बार एक गवर्नमेंट आती तो 5 साल तक बैठती। तो ये राजा के ज़माने के जैसा भी हो जा सकता, एक बार आ गया मनमानी करो कुछ भी करो। तो फिर राइट टू रिकॉल के बारे में क्या बोलते हैं? राइट टू रिकॉल की बात मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि इसमें ये ऐसे परते हैं, ये खुलते जाएंगे ना तो बहुत दूर चले जाती बात। समझ गया मैं आप क्या बोल रहे हैं कि क्या मेरा क्या सोचना है उस पर, मैं आता हूँ उस पर, लेकिन मैं चाह रहा था पहले कंप्लीट कर लूँ। अच्छा। अगर आपकी इजाज़त तो वन इलेक्शन वन तो ठीक है, लोगों का नज़रिया ये है, मेरा भी नज़रिया ये है कि पैसा खर्च होना और मशीनरी खर्च होना ही इलेक्शन का असल रिक्वायरमेंट है। Exactly. क्यों? अगर आप पैसा रोकना चाह रहे, बचाना चाह रहे और वो करना चाह रहे, तो फिर डेमोक्रेसी के मतलब नहीं है। इजी हो जाता, इजी हो जाता, वो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे बड़े लोग, लेकिन जो भी रूलिंग पार्टी है वो काम को ईजी करने के लिए भी बोल रहे होंगे।
लेकिन इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इट इज़ नॉट पॉसिबल. हर किसी का अलग नज़रिया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत बहुत चीज़ें अलग है और हर किसी का एक अपना नज़रिया है. हाँ ठीक है, तो यूथ पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या बोलते हैं? यूथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप देख रहे ना जो सीनियर से वो लोग ही मतलब हमेशा 4 times का 5 times ही वही सीएम बनने को रेडी है, वही एमएलए बनने को रेडी है, फिर न्यू जनरेशन कहाँ पे जा रहा है? प्रॉब्लम यह है कि हम जिस शहर में अभी रहते हैं ये एक मेट्रोपॉलिटन और बहुत फास्ट शहर हो गया. आप देखो ऐसे ऐसी जगह पे चले जाओ, गांव वगैरह में चले जाओ और प्लेन एरियाज में चले जाओ, नॉर्थ साइड में पॉलिटिक्स में बहुत लोग इंटरेस्टेड है, जवान बच्चे. आप देखो सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस कहाँ से निकलते, मतलब भारत के बारे में सोचना उसमें आने के लिए वो कोई आम एग्ज़ाम नहीं है वो. आप 10 साल भी मेहनत करें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी गलती है, ये बात सीधी है. सही, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मिस्टेक हुआ और सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू इन. था कि आप जो सवाल पूछे यूथ क्यों पॉलिटिक में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका सिंपल रीज़न ये है कि वो लोग देखा देखी कर रहे हैं कि भाई इसके पास वो घर है, इसके पास ये गाड़ी है, वो लोग दे के नॉट वेट. ओके ओके. और पॉलिटिक्स में वेट करना पड़ता, बहुत सब्र करना पड़ता, बहुत बहुत सब्र करना पड़ता और बहुत मारा खाना पड़ता, इतनी आसान चीज़ नहीं है सियासत. तो पॉलिटिक्स के लिए आपको भूखे रहना पड़ता, बगर जेल जाए, बगर जेल में की मार का है, पिटीशन साथ में आपके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल. और आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे को बाहर मूव होना है, मेरे को कमाना है, वो रास्ता अलग है, अलग है, ये रास्ता अलग है. तो यहाँ पर कम है लेकिन है, यूथ का कंट्रीब्यूशन तो है और पॉलिटिक्स में हमेशा यूथ ही रहा, ऐसा नहीं है कि यूथ नहीं है. लोग वोट देने भी लोग जीत जाते, सीनियर सिटीजन्स आर, देखो हर एज का एक फैक्टर रहता, माइंडसेट रहता. अब उन लोग बोलते हैं बड़े हो गए, पूरे कामा कर लिए, सब कर लिए. अब उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है सब चीज़ों में, खाली वो कैसा कर रहे हैं, खंबा नहीं आ रहा, नाला बह रहा, ये सब चीज़ें उन लोगों को दिखते, खाली बैठे हुए लोग. तो मैं समझता हूँ यूथ का रोल हर एरिया 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 वाइज डिफर करता, अलग अलग इंटरेस्ट रहता. अदरवाइज यूथ ही है जो पॉलिटिक्स में भी है, सीनियर पॉलिटिशियन एक्सपीरियंस के बेसिस पे यूथ को यूज़ करता. हाँ. आप देखो रैलीज में क्या बुड्ढे आते, क्या कम आते हैं, बड़ी उम्र के लोग सॉरी फॉर दैट कम आते. उसके साथ तो यूथ चलता, क्यों? उसका खून जोश मारते रहता, ऐसा एनर्जी रहती है उसके पास. तो उन्हें उस पॉलिटिशियन के पीछे इसलिए जाता क्योंकि उसके पास उसको एनर्जी दिखती और एनर्जी को अट्रैक्ट करके पूरा यूथ उसके पास जाता. वो लोग ये नहीं सोच सकते कि मैं पॉलिटिक्स में आना, मैं लड़ना, मैं 25 साल 22 साल की उम्र में सदा जाना सदन में अंदर, ये उन्हें नहीं सोचता. जल्दी होना उसको चीज़ें, एमएलए का साथ होना उसको, एमएलए के साथ फ़ोटो खिंचाना है उसको, खिंचा के डालना है उसको, म्यूजिक डालना है, वो इंटरेस्ट है यूथ का. तो ये बात सही है आपकी कि यूथ इज़ नॉट पार्टिसिपेटिव, मतलब इलेक्शन लड़ना नहीं है उसको. जो इलेक्शन लड़ रहा उसके साथ रहना है, अपना एक नॉलेज की कमी है और जल्दबाजी है, सबर नहीं है, उसके लिए एक लॉन्ग रूट है. ओके. ऐसा मामूली बात नहीं है कि एमएलए बनना और एमपी बनना, क्योंकि मैनी हर्डल्स आते हैं. हर्डल्स के बीच में मैं अनऑफिशियली नहीं जाना चाह रहा हूँ. हर किसी को मालूम है वो सब चीज़ें कि कैसा काम करती है चीज़ें, ठहरने से क्या नुकसान है, पहले से दिग्गज लोग क्या क्या कर सकते हैं, सब चीज़ें सबको मालूम है. और थोड़े एमएलए ऐसे भी है 5 साल को एक बार ही दिखते, बाद में दिखते भी नहीं. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है. अच्छा, वही है ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़े होते ना, उनके बारे में क्या राय है? मेरा तो उन लोग के साथ, मैं फर्स्ट प्लेस पे खड़ा हुआ हूँ. ओके. फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट खड़ना कोई मामूली बात नहीं है. जैसा मैं बोला आपको, ऐसे ऐसे रोड ब्लॉक्स आते हैं उनके पास, ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं उनके पास. मैं पर्सनली जानता हूँ कई लोगों को. वो लोग अपने घर को दाव पे लगा के, अपनी जान को दाव पे लगा के, अपनी बच्चों की लाइफ को वो करके, मतलब सिस्टम है वो तो है अपनी जगह, लेकिन कई तरीके हैं डिस्टर्ब करने के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को. और अगर उन्हें मजबूत है एक, उसके अंदर एक जज्बा है, मतलब उसके अंदर एक है विल कि मेरे को यहाँ पर ये सही करना है,
और उन्हें ठहरा और लड़ा तो बहुत बड़ी बात है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता, ज़्यादा उसके पास मशीनरी, पैसा, पावर, पहचान ज़्यादा नहीं रहती। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देखते हैं उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करो। पता नहीं वो डॉक्टर हो, पता नहीं वो कोई रिटायर्ड IAS IPS हो, कोई एजुकेटेड पर्सन हो या नहीं भी हो, क्योंकि MLA MP बनने के लिए आपको कोई ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब ठहरता, तो मैं ये अपील कर रहा हूँ पब्लिक को कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो MLA कैंडिडेट या MP कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट ठहरा, उसको जानो, समझो और कंपेयर करो वो दिग्गज नेता से, वो पार्टी के MLA कैंडिडेट से और इंडिपेंडेंट MLA कैंडिडेट को कंपेयर करो। तो तुमको फ़ायदा यही रहेगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो रहेगा उन्हें आपको फ़ायदा करता। बिल्कुल, मतलब मेरा ये नज़रिया है, हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। पार्टी कैंडिडेट जो है ना किसी बाउंड में चलता, उन्हें एक दायरे में चलता, क्योंकि वो बड़े पार्टी से रहते, उन लोगों के बात सुनना पड़ता, पड़ता जो भी है, हर चीज़। इंडिपेंडेंट क्या है बोलता, खुले बैल के जैसा, बड़े सिंगा वाले जैसा रहता, सबको ख़त्म करता उन्हें और रिफॉर्म ला सकता उन्हें। मेरी तो दुआ है उन लोग के साथ, ऊपर वाले की मदद रहे और सबसे ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ मिले और उसकी हिफाजत हो, और दूसरे जो बड़े बड़े पार्टीज़ हैं वो लोग भी, बहुत जगह ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनको कोऑपरेट करते बड़े पार्टीज़। तो फर्स्ट स्टैंड मेरा इंडिपेंडेंट है कैंडिडेट्स, क्योंकि बहुत बड़ा जिगर होना पड़ता उसके लिए। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में सेकेंड फेस वाले रहते जो है पार्टी के साइड से ठहर के इंडिपेंडेंट एज ए नेम इंडिपेंडेंट, पर वो बाद में जाके उनके वोट वो फलाना पार्टी को ही देते ताकि वो जीत सके। तो इनके बारे में आप क्या बोल, इनके बारे में तो दुनिया बोल रही। ओके, आप देख लो, आप कमेंट्स अगर कोई देख रहे तो उन्होंने कमेंट करते इस बारे में, उनको भी मालूम है, मेरा राय की बात ही नहीं है उसमें। आप पहचानते कैसा ऐसे लोगों को, वो ज़रूरी है, पहचानो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर कोई ठहरे तो पहचानो, आप उसको जानो थोड़ा। अपना जैसा काम करते अपन घर का, वैसा आपका जिम्मेदारी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जानो, सोचो। अब हर किसी को जाके मैं हिला के नहीं समझा सकता, मगर मैं ये बोल सकता हूँ, वही बोल देना, किताब में से एक आंसर मैं रटा सकता हूँ आपको, समझा भी सकता हूँ, समझा तो सकता हूँ मैं, समझना नहीं समझना वो बहुत मुश्किल चीज़ है ना। तो इंडिपेंडेंट ऐसे कैंडिडेट्स को आप पहचानो, मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप पहचानो इंडिपेंडेंट है तो किसी के साइड से है क्या, पहले किस पार्टी से आके इंडिपेंडेंट लड़ रहा है या फिर फर्स्ट टाइम ही इंडिपेंडेंट में आ रहा है, वो भी ठीक है, वो भी बात है। लेकिन सीरियसनेस जब आता है इंसान के अंदर, वो सिस्टम में रहने के बाद ही चाहता। अच्छा, मतलब ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरे को, मैं कुछ जाना चाहूँगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सही बात है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब पहले पार्टी में था तो उन्हें ईमानदार भी अलग लड़ सकता, बात ऐसी नहीं है। लेकिन उन्हें बिल्कुल ही पहली बार आके इंडिपेंडेंट ही लड़ा, और वो तो बहुत अलग ही है वो तो। लेकिन वो भी ईमानदार हो सकते जो पार्टी से अलग होते, क्योंकि वो पार्टी में रह के ही देखते ना क्या कमियां चल रहे हैं, तो ये अलग ठहरते। तो डैट इज़ एन डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन है, उसके बारे में पब्लिक को सोचना पड़ेगा। मेरे बोलने नहीं बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो इलेक्शंस के बारे में क्या बोलते, जो आप जो बटन बैलेट मूवमेंट के लेके चल रहे हैं जी, उसके बारे में इलेक्शंस कैसा, मतलब 100% इलेक्शन, 100% पोलिंग होना, मतलब इसमें जो है ये प्लांट्स में जितने पत्ते हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ये सारे पत्ते जो है वो वोट देने के काबिल है, ठीक है, सारे पत्ते, तो ये सारे पत्ते जाके वोट देना। मैं इसको इसलिए ले लिया इसमें, क्योंकि इजी लगता है, क्योंकि जिंदा है, एसोसिएटेड है, जिंदा है तो अच्छा, जो अकड़ते ना, हाँ, समझ जाओ वो अकड़ गया, मतलब पत्ता झड़ झड़ने वाला, कई पत्ते यहाँ पे झड़े, तो उनका कोई रोल नहीं है। तो बोलने का मेरा मकसद क्या है कि एक पूरा पेड़ के पूरे सारे पत्ते मिलके एक छांव देते, तो अपन भी अवाम एक ट्री की तरह है, अपन सारे एक दूसरे को शेड देना है, अपनी ब्रांच बचाना है, हाँ, और आगे उसके अंदर किसी को पनाह देना है, उसको सुकून देना है,
आराम कराना है अपने अंडर, तो आपको वोट देना पड़ेगा। 100% पोलिंग करना ज़रूरी है। 90 करोड़ लोग वोटिंग देने के लिए, उनके पास वोटर आईडी कार्ड्स है, तो वो 90 करोड़ लोग जाना, जाके या तो वो इंडिपेंडेंट को दो, या तो आपकी पसंदीदा कोई फेवरेट पार्टी है उसको दो, या फिर नोटा का एक बटन आता उसको दबाओ। अच्छा, मेरा ये बहुत फेमस हो गया कि मैं नोटा बटन हो गया अभी। अच्छा, पूरी दुनिया में ओके जो मेरे से पूछता भाई आप नोटा का ही को प्रमोट कर रहे, मैं बोल रहा मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा उन्हें ही ले गया है ना। हाँ। राइट है ना, इंसान का, सिटीजन का राइट है। नोटा दबाया इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। अब उससे मैं फेमस हो जा रहा हूँ, वो एक चीज से मैं एसोसिएट हो गया। ओके, पार्टी लोग क्या समझते हैं, नहीं वो नहीं हो रहा, लोग क्या समझ रहे हैं, पार्टी लोग क्या समझ रहे हैं, ये पार्टी वो पार्टी बहुत आए मेरे पास, डर रहे हैं लोग मेरे से। हाँ। बोल रहे हैं आप ये, मैं बोला भाई मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ। हाँ। अगर आपको पसंद करते लोग तो आपको दो, इंडिपेंडेंट को पसंद करते इंडिपेंडेंट को दो, या नहीं देना है उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा, इन्हें भी नहीं समझ में आ रहा, भूखे रहना है तो भूख हड़ताल पे बैठे जैसा दियो नोटा, दियो खाली भूखे कोने में रखो बैठो घर में, समझ रहे हैं आप, दिखो लोगों को, दिखो रजिस्टर में आपका रजिस्टर हो, आपका वोट काउंट हो, कि नोटा लगाओ पहले तो इंक लगाओ। हाँ, इंक लगा लो, इंक लगाओ, जाके वोट देके इंक लगा लो, शान से भी मालूम होता ना भाई, देखो उसको वोट दिए, इसको वोट दिए और नोटा को दिए, 100% पोलिंग हो गई, हो गई, हो गई, रिकॉर्ड है ना, समझ लो 100 वोट्स में से 100 ओवरऑल, छोटा नंबर रखेंगे समझ में जल्दी आता लोगों को, 100 में से 50 लोग किसी को नहीं देना चाह रहे थे, 30 रख लो उसको अभी जैसा सिनेरियो है। ओके, तो लोग 50 लोग का नाम तो आया ना कि 50% आर नॉट गिविंग टू एनीवन, कुछ तो संसद में नया रूल बनेगा, लॉ बनेगा, नोटा के बारे में कुछ नई बात तो होंगी। एग्जैक्टली, बिल पास होगा जैसा दूसरे बिल पास होते इंसाफ के लिए, इंसानों के, मतलब 50 to above 50 लाइक 60% अगर वोटा में चले गए तो फिर री इलेक्शंस का भी प्रोसेस है उसको। वो अमेंडमेंट हुआ तो होता, ऐसा कुछ शहरों में हुआ जैसे कि स्टेट्स में हुआ, महाराष्ट्र में वगैरह हुआ। नोटा बटन इज़ फेमस इन ट्राइबल पीपल, ट्राइबल्स में बहुत फेमस है बटन, वहाँ पर ज़्यादा आता। पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया, पूरा भारत जब अपने आप को प्रेजेंट करेगा, बाकी तो मरे हुए हैं आप, अगर वोट पैसे लेके डाल रहे और नहीं डाल रहे तो मरे हुए हैं आप, सीधी बात है, सीधी बात। वो 30 करोड़ लोग अभी मरे हुए वेंटिलेटर पे, मतलब मर गए नहीं, वेंटिलेटर पे, जो हरकत नहीं कर सक रहे, अधमरे, बिल्कुल चल नहीं सक रहे, हिल नहीं सक रहे, वैसे लोग पैरले, उन लोग अगर वहाँ जाके रिप्रेजेंट हो गए रजिस्टर में 100%, इतने लोग वोटर्स है और इतने वोट्स आ गए, जब मालूम होता कि कौन असल में ताकतवर है, कि पब्लिक इज द की, वोट पब्लिक दी, पब्लिक वोट जब देती और पब्लिक को ये एजुकेट किया जाना चाहिए, समझ के अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एजुकेट करी तो उन्हें ईमानदार है। अच्छा, लोग क्या करते, मैं बोला आपको इंटरव्यू के शुरू में बोला कि लोग क्या करते, पॉलिटिकल होशियार पॉलिटिशियंस क्या करते, अपना कुर्सी बचाने के लिए, बहुत एविडेंसेस है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जीतने के लिए कुछ भी करते हो, लोग 4 वोट लेके जीत जाते, 4-1 वोट लेके एक्स्ट्रा जीत जाते, सही बात है। तो पब्लिक को एजुकेट कौन कर रहा, कोई नहीं, हर पार्टी वाला था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए किसी को क्यों, अगर मालूम हो गई ये डिश कितनी टेस्टी है, सब खाना शुरू कर दिए, उनके घर कहाँ से चलते। तो इन शॉर्ट, जब तक दुनिया में बेवकूफ है, होशियार लोगों का हमेशा फायदा होगा, और आवाम आज होशियार है समझ रही, उनको बेवकूफ बना दिया जा रहा, समझ रही, होशियार है उनको बेवकूफ बना दिया जा रहा। तो मैं समझता हूँ पब्लिक में ये चीज़ तो मालूम है, और जिसको मालूम है वो 60 करोड़ लोग हैं जो वोट देते जाके नोटा को भरोसे से वोट डालते 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 डालते, वो 30 करोड़ लोगों को आना की ज़रूरत है। एक बार ये लोग आ गए बहुत बड़ी क्रांति हो जाएंगी। वो 30 करोड़ लोग जो वोट नहीं डाल रहे हैं, वो लगातार आ गए, मतलब
ट्रू डेमोक्रेसी का उस दिन एक फ्लैग राइज हो जाएगा, तो एक अलग रोशनी आ जाएगी भारत में। तो पार्टी लोग क्या है, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीआरएस नहीं, वोट फॉर डेमोक्रेसी बल्कि लाना। वोट फॉर डेमोक्रेसी तो नहीं बोल सकते, आपकी पॉइंट बहुत प्यारा है, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे, लेकिन वोट फॉर कांग्रेस वोट फॉर बीजेपी छ रहता हो। अच्छा, क्योंकि हर पार्टी का अपना काम है, लेकिन वोट फॉर डेमोक्रेसी आपका जो मतलब था वो मैं समझ के बोल रहा हूँ कि वोट फॉर डेमोक्रेसी इन कॉमन आदमी बोलना चाहिए, 140 करोड़ लोग बोलना चाहिए, पार्टी लोग नहीं बोलना चाहिए। पार्टी लोग अपना प्रचार करो, करना हो लोग। देखिए, जब तक अपोजिशन नहीं है, जब तक लड़ाई मतलब ये चीज़ में एक कॉम्पटिशन नहीं है, जब तक तरक्की नहीं होती। अब उन्हें चेयर पे बैठा तो पूछने वाला तो कोई रहना ना, पूछने वाला रहना जरूरी है, स्ट्रांग रहना लोग। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस वर्ड की वजह से मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हो तो कभी कभी नोटा नोटा बोल के, बात वैसी है नहीं, लेकिन नोटा जानना चाहिए लोगों को, जो नहीं डालना चाह रहे उनको नोटा ही डाल देना चाहिए। ये मेरा नज़रिया है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो नहीं डाल रहे ना बे, इसको आपको नहीं डाल रहे, मेरे को नहीं डाल रहे, तो नहीं डाल रहे हम किसको भी बोल के डाल दो ना नोटा, वही मतलब है उसका। वही है, मैं उसको भी नहीं डाल रहा, इसको वो डालने की वजह से आपका एक काउंट हो जाता, वैसा काउंट बढ़ गया ना तो बहुत बड़ी क्रांति आती। ये इसका कोई भी सुपर पावर, कोई भी मिसाइल न्यूक्लियर से बहुत बड़ी चीज है ये। अच्छा, तो अगर जो नहीं डाल रहे वोट उनके ऊपर कुछ चलान या फिर कुछ एक्शन लिया गया तो कैसा रहता? ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जब बैठी थी तो कंपलसरी 2 ईयर्स ऑफ आर्मी रखना हर सिटीजन को इंडिया के, बोल के एक प्रस्ताव आया था। वो चीज़ मेरे को याद आई अब जब ये बात पूछे, तो उसमें ये था कि हर किसी को कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग रखना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोरो हुआ। देखो, आप कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आज भी कोई ऐसे झगड़ा नहीं होता बड़ा। हैदराबाद में आपको याद है जब छोटे थे कितने हिंदू मुसलमान के झगड़े होते थे, अब कहाँ हो रहे? नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। क्यों? जब कम्युनिटीज़ के दिल मिल जाते हैं ना, डेवलपमेंट होता। और वो काम है पुलिस का। पुलिस कैसी बात करती है आज? सर आइए, दैट इज द कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का सबसे, देखो एक खाकी फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, बहुत प्यारा है। अरे वालिद साहब सुना रहे थे कि, मैं तो सुना नहीं डायरेक्ट, उन्होंने सुना रहे थे, मेरे को पसंद आई बात। अब बोली नहीं बोली बात की बात, मेरे को ये बात पसंद आई कि बच्ची के हाथ में से गुड़िया भी नहीं छीन सकते अगर हुक्मरान अच्छा रहा, लीडर अच्छा, वो जो सीएम अच्छा रहा, पुलिस अच्छी रही। आज वो देख रहे हैं आप, जिसकी वजह से मोहब्बतें हैं, और हमारे पास जल्द से जल्द, जहाँ पर एक ब्रिज बनने 20 साल लगते थे, 5-6 साल में मेट्रो डल गया। तो इन शॉर्ट, डेवलपमेंट का जो फैक्टर है वो मोहब्बत से है। मोहब्बत जो जितने ज़मीन पे लोग रह रहे उनमें मोहब्बत रहना, कि ये आज 1-2 साल की पुरानी पुराना शहर नहीं होता है। 600-700 साल मैं किसी के साथ नहीं रहता। मैं ना एविडेंस, और मैं ना, मेरा नज़रिया ब्रॉड व्यू है। यहाँ के लोग, देखो फिर लोग आ गए, यहाँ के लोग अगर चाहे तो यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को भी, यहाँ के एमएलए को भी, सबको हिला रहे हैं, हिला सकते बोल के नहीं, हिला दे रहे। अब देखो आप, इलेक्शन में जब भी होता तो बहुत बड़ा टक्कर पे जीतते हैदराबाद पार्लियामेंटेरियन। अब जो है, तो बोलने का मेरा मकसद क्या है कि पब्लिक को मालूम है उनको क्या करना है किसके साथ, तो डर के जल्दी अच्छा काम भी कर देते। तो यही होना, यही इंटरव्यू, अपोजिशन जरूरी है। ओके, अपोजिशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, है उनका अपोजिशन स्ट्रांग है, है। आप देखो, रिसर्च कर लो, मैं नामान किसी के नहीं लेता, मेरा काम भी नहीं है वो। तो उन्होंने अपना डेवलपमेंट करने का, जितना करने का, पब्लिक को देख के करते हर चीज़। देखो आप ना, आप 30-40 हज़ार रुपये अगर कमाते या 1 लाख रुपये कमाते तो आपके कुछ घर के ज़रूरियात आप मीट कर सकते। करप्शन हटा दो, दिल्ली का मॉडल देखो आप। मतलब पहले जो पार्टीज, मैं किसी की भी तारीफ नहीं कर रहा, ना दिल्ली की तारीफ कर रहा मैं, सिंपल सी बात यह है कि मैं एक मॉडल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम अप्लाई हुआ।
मैं एजुकेशन में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं वो सीएम की तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये तारीफ कर रहा कि वो आदमी फिनलैंड को टीचर्स भिजा के ट्रेन करा के इसलिए बुलाया क्योंकि एजुकेशन में टॉप वन नंबर वन एजुकेशन में फिनलैंड है, वहाँ से सीख के टीचर आएंगे तो वैसा पढ़ाएंगे, वहाँ के बच्चे छोटे छोटे उम्र के बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे, सही बात। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बोरोइंग के लिए भी दिल चाहिए और नीयत चाहिए। तो डेवलपमेंट जो है, मैं समझता हूँ डेवलपमेंट बोला ना मैं कि पीस बरकरार रखना, पहले आप पीस पैदा करो, उसके बाद में आप कितने फ्लाईओवर डालते डालो, कितने नाले बड़े करते करो, कुछ भी होता फिलहाल तो पीस जब है ना, पीस, उसके बाद में डेवलपमेंट करो बस, उसके बाद में आप सिर्फ ये धोखा दे के नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। पब्लिक धोखा खाती भी नहीं, पब्लिक को मालूम है किसको कब उखाड़ के फेंक देना है, लेकिन पब्लिक जो नहीं जा रही ना वोट देने उससे तकलीफ है बस। वो गई तो असल में कौन बैठना कौन नहीं बैठना वो डिसाइड हुआ तो वो बहुत प्यारा दिखता। एक आपको बहुत मीठा बहुत अच्छा डिश बना के लेके आए, उसको अच्छा गार्निश नहीं करे, मतलब प्रेजेंट नहीं करे अच्छा खाना, दिल नहीं बोलता, सही बात है। तो खूबसूरती जब ही आएंगी उसको, वो डिश कंप्लीट जब होंगी, जब पूरे वोटर्स पोलिंग बूथ में जाएंगे। बहुत खरीब है इलेक्शंस। हाँ नहीं, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं चाह रहा हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहे ताकि मैं जब मरूँ तो मुझे याद भी ना किया जाए, लेकिन मैं मरूँ तो मैं सोचूँ कि मेरे रिलीजन मेरे घर के अलावा मेरे मुल्क के लिए मैं क्या करा, ये सेटिस्फेक्शन यहाँ होना, मैं क्या करा। अगर होना रहता था तो इतनी परफेक्ट लाइफ सबकी हो जाती थी। हमारे से बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट आके चले गए दुनिया में से, उनकी वजह से चीज़ें बदली, लेकिन सब नहीं बदला। इस्लाम में नबियाँ हैं, इंसानियत फैलाने, उस नबी के लिए लोग दूसरे मजहब के लोगों को मार देते। जो नबी बोल रहा कि तुम एक इंसान को मारे तो पूरे आलम को मार दिए, उन्हें आसानी के साथ सिर्फ उसका टीका तिलक ये वो देख के मार दे रहा, और वो तिलक लगाने वाला राम का नाम लेने वाला सामने वाले को मार दे रहा जो टीचिंग में नहीं है। एग्जैक्ट बोल रहा हूँ क्या मैं, बात इम्पोर्टेंट है। इतने बड़े बड़े लोग आए, दुनिया को सीधा करके नहीं जा सके। लोगों को वो बोलते रहे कि तुम ये चीज़ें फॉलो करो ताकि सोसाइटी अच्छी हो जाए, वो लोग उनको फॉलो करने लग गए और उनके बारे में गलत सुन के उनको लोगों को मारने लग गए जो उन्होंने सिखाए नहीं। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरी सोच है कि ऐसा हो जाए, और मेरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में तो ज़रूर हूँगा। स्पार्क जल गया, आप मेरे से बात कर रहे, कई लोग बात कर रहे, बहुत है ना ऐसा, सिस्टम चल रहा तो लोगों को मालूम हो रहा, ऐसा होते होते आग लगती, और एक बार जब लगती फायर वो, उसमें आप खाना बनाओ, बस जलने की क्या ज़रूरत है। तो आप खाना बनाओ, डिशा बनाओ अच्छे अच्छे, मीठे मीठे और खारे खारे सब खाने बनाओ, और लोगों को खिलाओ, पेट भरो, ठंडा करो पेट को। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 2023 में इतना बड़ा चेंज नहीं आ सकेगा अभी के लिए, लेकिन एक दिन आएगा, चेंज तो आएगा। क्योंकि आज एक दिन में नहीं साफ होते कुछ धब्बे, कुछ दाग एक दिन में नहीं होते, एक साल में भी नहीं होते। तो लोगों के जहनों में माइंडों में ना आज भी वो चीज़ें हैं। आप बैठो घर में अपने रिलीजन के साथ बैठो दो मिनट, एक ना दो तीन चार जने निकल जाते, अरे वो ला ऐसे रहते। हमारे एक्सपीरियंस से बोल रहे, हमारे घर में देख के वो एक रहती है अंदर से, लेकिन एजुकेट करना एक दूसरे को वो ज़रूरी है, एजुकेट ज़रूर। स्लोली रिफॉर्म आएगा मेरे ख्याल से, ये वोटिंग परसेंटेज और कम भी हो सकता, बढ़ने की बात नहीं है, लेकिन बोला ना मैं आपका पेट भरा हुआ है तो आप जाके वोट नहीं डालते, सीधी बात है। मेरा जॉब है, मेरे को जाना है, मेरा काम है, मेरे को छुट्टी मिली इस दिन, मैं घर वालों के साथ बैठता हूँ। अब एक लीडर जो है ना, देखो सिस्टम में हर चीज़ हर किसी को मालूम रहती, इतने लोगों को इतना बुरा बुरे हालत में डाल देना मतलब
बहुत बार हुआ, ऐसा हो रहा भी दुनिया में, नहीं ग्लोबली, तो उसको भी नींद नहीं आती। लेकिन उसको करना इसलिए है क्योंकि लोगों को यही पसंद आता। नज़रिया बहुत ख़तरनाक दे रहा हूँ मैं, बदमाशी तो है ना अंदर, क्यों है? क्योंकि बदमाशी देखना चाह रही आवाम। लोग इंटरटेनमेंट से हट नहीं सकते। जंगल ऐसे बहुत ज़बरदस्त मिसाल है, जंगल को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कांटे के झाड़, जहरीले झाड़, जानवर, सांप वाँप सब एकदम उग जाते। अब देखो वन प्लैनेट की एक सीरीज़ है, उसमें एक शहर का शहर कुछ गैस लीक होने की वजह से खाली हो गया था, जंगल ऑटोमेटिक बन गया, ऑटोमेटिक बारिश होती, हवा फेदर वेदर रहता, जानवर आ गए, हर अपार्टमेंट्स में शेरा बबरा रहे। अब देखो वन प्लैनेट का मैं बोला ना, तो जंगल को मेहनत करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जंगल चल रहा, गार्डन को बनाने की ज़रूरत है। पानी कितना देना, दवा कितनी डालना, काटना कहाँ से, तो खूबसूरती जो है ना वो लाने के लिए पब्लिक को ही समझना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों में वो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, जो पैदा हो रहे हैं, उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, सिर्फ बड़ों को नहीं, स्कूल से चेंज लाना। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ें समझाना कि आपके मम्मी पापा वोटिंग के दिन नहीं गए, स्कूल में ये जैसा सर्कुलर रहता हर चीज़ का एग्ज़ाम का, वोटिंग के टाइम भी एक सर्कुलर रहना, वोटिंग के दिन स्कूल एक दिन पहले जब छुट्टी रहती दूसरे दिन, क्योंकि स्कूल्स में पोलिंग बूथ्स लगते, तो बच्चों को ये सिखाया जाना कि आपके मार्क्स आपके पेरेंट को वोट दिलाने से मिलेंगे। ऐसे रिफॉर्म्स लाना, स्कूल रेवोल्यूशन आता, बच्चों की डायरी में लिखना आप अपने पेरेंट की वो उंगली की फ़ोटो लेके आएंगे तो आपको इतने मार्क्स वोट की, नहीं तो उसके एक दो दिन बाद पेरेंट टीचर मीटिंग लगा सकते, तब चेक कर सकते। तो ये फोर्सफुली नहीं करना, रिफॉर्म करना, माइंडसेट बच्चों से चेंज करना, बच्चे क्योंकि वो बच्चे 5 साल में 10 साल के होते, 5 के रहे तो 3 वोटिंग, पैदा होने से 4 वोटिंग के अंदर बच्चा वोटिंग राइट मतलब फ्रेंचाइज अडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र में आ जाता, 18 ईयर्स का हो जाता हूँ तीसरे टर्म में पैदा होने के बाद। अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर उन्हें फर्स्ट टर्म शुरू हो रहा, अब जैसा 23 में अब कोई पैदा हो रहा, तो उन्हें 15 ईयर्स के बाद वो जो 16, 17, 18 में है, 4th टर्म में उन्हें एलिजिबल हो जाता वोट देने। तो अभी से बच्चों को भी सिखाना ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क को बचाना है तो वोटिंग डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो अपने पेरेंट्स से चाचा चाची से सबसे वोट करा के लाओ, रिवॉर्ड देना। आलतू फालतू बेकार चीज़ों के लिए बच्चों को रिवॉर्ड, स्टार्स मारते, स्टार्स देते, चॉकलेट खिलाते, कैंडी देते, वो देते, ऐसे चीज़ों के लिए इंस्पायर मोटिवेट करना। अच्छा, तो आपका फ्यूचर गोल्स क्या है? मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये रहेगा कि जितने ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग पार्लियामेंट में आए। अच्छा, पढ़े लिखे लोग, मतलब पढ़े लिखे नहीं बोलूँ मैं, समझदार लोग, देश के बारे में असली सोच रखने वाले लोग, डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में जानने वाले लोग, वो एक बार अगर पार्लियामेंट में आ गए बहुत खूबसूरत हो जाता सर। अच्छा, ये बटन और बैलेट मूवमेंट में आपका फर्दर गोल क्या है? बटन बैलेट मूवमेंट में मेरा फर्दर गोल यही है कि पूरे 140 करोड़ लोगों को रोड पे लेके आके चलना है। फिर जाम हो जाता ना पूरे रोड? नहीं, वैसा मतलब अच्छा, नहीं है मेरा। ओके, टाइम के साथ। अच्छा, एक साथ नहीं जैसा कि मोदी जी बोले यार, एक 130 करोड़ लोग एक कदम आगे डाले तो देश 130 कदम आगे चले जाता। सही बात, बिल्कुल सही बात। सोचो आप एक कदम की बात करें, आप 10 कदम बात करो कितना हो जाता, मल्टीप्लाई कर लो। मैं नहीं कर सकता तो एक कदम की बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि हाँ वो बात का मतलब वही था कि एक डाले तो इतना होगा, तो 100 डालो, लिमिटलेस है, आप कितना भी चल सकते, तो बहुत बड़ी बात है वो, उसकी गहराई आप समझ नहीं सकते। 130 करोड़
पीपल अगर एक कदम डाले 130 करोड़ आगे देश के प्रति, बिल्कुल बिल्कुल देश के प्रति, बिल्कुल के लिए नहीं और स्वार्थ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल देश के प्रति। तो हम यही सोच रहे कि बटन बैलेट मूवमेंट में आगे डेवलपमेंट्स यही होना कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाना बस। हमारा तो यही है कि 100% पोलिंग एक दिन कराना है, एक दिन मतलब एक टाइम आएगा उस वक्त ये चीज़ हो जाएंगी, वो कंटिन्यू रहेंगी, ऐसा नहीं है कि एक दिन। ओके, तो उसको बरकरार रखना है। बिल्कुल रखना है, छोड़ना तो है नहीं और आपको भी छोड़ना नहीं है। अच्छा, किसको भी छोड़ना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट मूवमेंट क्या है आपका, ये जो आप जो मूवमेंट लेके चल रहे बटन बैलेट का, तो नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट क्या प्रोग्राम्स करना चाह रहे सोसाइटी? मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ पूरे इंडिया के एनजीओस जुड़ जाए अभी। ओके, क्योंकि वो लोग बिना किसी मतलब के काम करते, इंसानियत के लिए काम करते, और उनकी इंसानियत का काम करने में मशीनरी की ज़रूरत है। मतलब वो तो किससे भी काम करा लेते अपना राइट बता के, ये सिस्टम बता के। एनजीओस के पास एक पावर ये है, सुपर पावर ये है कि उनके पास स्वार्थ नहीं है, अपने मतलब का नहीं है कुछ भी। अपने मतलब के लिए जो जो करना है वो कर लेते, बिजनेस वगैरह। ये जब काम करते लोग सोसाइटी का, तो वो साफ दिली से करते। मेरा मानना ये है, साफ दिल लोग मेरे को चाहिए ताकि मूवमेंट को बहुत ताकत मिल सके। सो क्या रिक्वेस्ट है आप, आपकी थ्रू मीडिया पब्लिक जो देख रही, तो उनसे आप क्या गुजारिश करना चाह रहे? आपसे मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, अगर कॉमरेड डिजिटल मीडिया अगर आपको हमारे व्हाट्सएप का स्कैनर दे दिए, तो आप उस पर जुड़ जाओ पहले। ओके, ताकि आपको अपडेट्स मिल सके फर्स्ट। तो सुना था आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर उसके बारे में भी बोले बटन तो? बैलेट मूवमेंट के नाम से है बस, वो इसलिए है कि हर किसी के साथ में इतनी बात कर नहीं सकते, इसलिए तो मीडिया आता ना बीच में। तो जब हम एक से बात करें तो हम बहुत से बात करते हैं। तो यूट्यूब चैनल का कोई ऐसा ख़ास पर्पस नहीं है, वहाँ से अर्निंग वो सब चीज़ें ऐसा यूट्यूबर की तरह नहीं है, वो अपडेट्स डालने के लिए कि ये चीज़ हुई, ऐसा हुई ऐसा। मूवी देखो आप, हर 5 सेकंड में सीन चेंज कर देते, अपनी वीडियो बहुत बोरिंग है, एक ही एंगल से चल रही, लेकिन बात अगर बहुत इंटरेस्टेड हो गई और वैसे माइंडसेट के लोग बैठ गए, 10 घंटे भी सुनते हैं लोग, वो कम रहते एज यूजुअल, ऐसा मैं जैसा बोला। लेकिन मूवी बहुत जने देखते हैं, क्यों? लोकेशंस चेंज होते, कलर्स चेंज होते, कॉस्ट्यूम्स चेंज होते, गाने नए नए आते, गाना थोड़ा रहता, म्यूजिक एक वो करती। तो यही है कि पब्लिक को जो है इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म में चलाना। सो ఇవండి ఈ రోజు అప్డేట్స్। सो మీకు వీడియో ఎలా అనిపిస్తుందో కామెంట్ చేయండి। మీరు ఎక్కడి నుండి చూస్తున్నారు, తెలంగాణ నుండా, ఆంధ్ర నుండా, వేరే స్టేట్స్ నుండి చూస్తున్నారు, నాకు కామెంట్ లింక్లో మీరు మెన్షన్ చేయండి। మీకన్నా ఈ వీడియో కనెక్ట్ అయితే ఉస్మాన్ గారి మొబైల్ నెంబర్, వాట్సాప్ నెంబర్ నేను మెన్షన్ చేస్తాను, వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను। మీరు వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి మీరు వాళ్ళతో ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను। సో చూస్తూనే ఉండండి కాంబ్రేడ్ డిజిటల్ మీడియా, నేను మీ అనిల్, థ్యాంక్ యూ, జై హింద్।